दोस्तों वेलकम टू सिनेमा वाले। मैंने कल एक फिल्म देखी सोनी लिव पर जिसका नाम है राम सिंह चार्ली। इसमें कुमुद मिश्रा ने सेंट्रल कैरेक्टर निभाया है, वही कुमुद मिश्रा जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया है पहले, जैसे कि गर्ल इन येलो बूट्स और MS धोनी। और आपने उन्होंने देखा होगा कि मतलब थोड़े मोटे से हेल्दी इंसान है वो, बट इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया है और राम सिंह चार्ली का कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है बहुत बखूबी किया है। सो शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। राम सिंह चार्ली एक फिल्म है एक ऐसे इंसान के बारे में जो सर्कस में काम करता है और चार्ली चैपलिन की भूमिका करता है सर्कस में। और किसी दिन क्योंकि सर्कस की पॉपुलैरिटी आजकल बहुत कम हो गई है और सर्कस जैसे मेजर बड़े सर्कस चालू हैं पर छोटे मोटे सर्कस सारे बंद हो चुके हैं। सो ऐसे ही हो जाता है उनके लाइफ में कि सर्कस बंद हो जाता है और उनका रोज़गार चला जाता है। बट राम सिंह चार्ली के लिए बेसिकली सर्कस एक इनकम सोर्स नहीं है, उसके लिए एक चार्ली का रोल प्ले करना है बहुत ही एक इमोशनल थिंग है उसके लिए। और ही वो अंदर से एक तरह से वो कैरेक्टर से बहुत प्यार करता है ऐसे दिखाया गया है। और वो सीरियसली वो फिल्म में दिखता है कि वो कितने इंट्रिग्ड होते हैं कि उस कैरेक्टर को लेके। तो फिल्म इसी बारे में है और रोज़गार चले जाने के बाद फिर उनके स्ट्रगल्स दिखाए गए कि लाइफ में वो कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एक जो रिक्शा चालक होते हैं जो हमने नॉर्मली कैलकटा में देखा है कि आदमी खींचता है रिक्शा, ऐसी रिक्शाज होती है वहाँ पर। और फिर वो इंसान राम सिंह चार्ली वो काम करने लगता है और बीवी का रोल दिव्या दत्ता ने किया है और उनको गाँव भेज देता है बिकॉज उसके पास पैसे नहीं होते। उसको बीच में यहाँ वहाँ काम भी मिलती है पर मॉल में मुखौटे पहन के नाचना या फिर किसी बर्थडे पार्टी में नाचना ऐसे काम मिलते हैं। सो अंदर से एक तरह से घुट से जाता है और उसे लगता है कि वो जो चार्ली प्ले करता था उस सर्कस में वो बहुत मिस करता है वो चीज़ें। और बस फिल्म में बेसिकली यही दिखाया गया है कि एक इमोशनल जर्नी ऑफ अ मैन हु प्लेज चार्ली इन अ सर्कस एंड लेटर ऑन हाउ ही मिसेस हिज कैरेक्टर एंड द एक्टिंग विच ही डज इन द फॉर्म ऑफ चार्ली चैपलिन। सो बेसिकली फिल्म की स्टोरी यही है। कुमुद मिश्रा ने सेंट्रल कैरेक्टर किया हुआ है एज राम सिंह चार्ली, बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है उन्होंने, शायद ये उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और सीरियसली आप कुमुद मिश्रा को आप देखोगे तो उन्होंने इतना वेट लूज़ किया है इस फिल्म में कि मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कुमुद मिश्रा ही है। और मतलब इट्स ऑल अबाउट हिम इन द मूवी। और दिव्या दत्ता ने उनकी वाइफ के तौर पर अच्छा काम किया है और बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं जो ठीक ठाक काम किया इन्होंने। कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन शायद हर टाइप की ऑडियंस ऐसी फिल्में नहीं देखते और हम हर बार कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड रोल करो और मसाला मूवीज देखना बंद करो, बट जब ऐसी मूवीज आती है तो कोई देखता नहीं है। मैंने तो इस फिल्म को देख ली और मैं चाहूँगा कि आप भी ये फिल्म देखें, बहुत अच्छी फिल्म है, इमोशनल फिल्म है। और जिन लोगों को मसाला मार धाड़ वाली फिल्में पसंद है ऐसे लोगों को शायद ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, बट स्टिल ये एक अच्छी मूवी है। मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा और कह सकते हैं कि एक मास्टरपीस है। और सोनी लिव को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो ऐसे कंटेंट लेकर आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर और सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म। सो दिस इज सिनेमा वाले सेइंग गुड बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू कैन। दिस इज सिनेमा वाले टेकिंग ऑफ।